Welcome to my channel ASP. So today we are completed to our last topic of chapter alcohol, phenol and ether, that is ether. So friends, ether mein hum kya kya padhenge? Classification padhenge, nomenclature padhenge, preparation padhenge, physical property, chemical properties. So pehli baat to classification ki baat kare, to classify isko hum alkyl aur aryl ke usme karte hai ki जब हमारा सिंपल एल्काइल ग्रुप मतलब कि CH3 मतलब कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अगर ये दोनों सेम हो मतलब कि सिमेट्रिक एल्काइल में भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक होता है एक एसिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में मतलब दोनों जो R ग्रुप है एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड है जैसे कि यहाँ पे इथाइल और इधर भी इथाइल तो वो दोनों सेम होंगे और इसको कहते हैं हम डाइथाइल ईथर. और एसिमेट्रिक में बात करेंगे तो एक जगह जैसे यहाँ पे दो जो आर ग्रुप हमारे एल्काइल ग्रुप होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे जैसे कि इधर एक है मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप. ओके फ्रेंड्स, तो देन उसके बाद आती है एराइल में. एराइल में हमको पता है हमारी एराइल ग्रुप जुड़ा होता है जिसमें से एक एग्जाम्पल है बेंजीन का. तो इसमें भी टू पार्ट में डिवाइड करा, एक सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में वही दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इसमें एक तरफ बेंजीन एराइल ग्रुप एक तरफ एल्काइल ग्रुप है. और इसका कॉमन नेम दोस्तों एनआइसोल होता है इस वाले का. जब यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे तो अब इथाइल ग्रुप है, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको हम कॉमनली कहते हैं एनआइसोल. इसका कॉमन नेम है या आयुपेक नेम भी कह सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आते हैं बादी नोमेनक्लेचर की. तो उसमें आयुपेक नेम और कॉमन नेम. कॉमन नेम में हम पहले देखते हैं तो जैसे दो हमारी ये एसिमेट्रिक है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है. तो जो बड़े वाला है उसको पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, लास्ट में हम ईथर का यूज करेंगे. और जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे फिर उसको छोटे वाले को फिर. पर जबकि इसकी बात करें तो जो लार्जर ग्रुप होगा उसको हम एज अ पेरेंट कार्बन मानेंगे और जो शॉर्टर वाले को होगा उसको एक डेरिवेटिव मानेंगे. जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इसमें मिथाइल है और इथाइल है तो इसको कहेंगे मिथोक्सी. ये जो है ये हमारा पूरा पेरेंट एटम है. और जब ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्डेड कुछ भी ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम ऑक्सी लगा देते हैं. अब जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो मिथोक्सी और फिर हमारा जो पेरेंट एटम उसको क्या कहेंगे इथेन. तो इस पूरे को ये एज अ फंक्शनल ग्रुप है हमारा और इसका क्या नाम है मिथोक्सी. ओके, और फिर ऐसे यहाँ पे अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है इथोक्सी और ये हमारा पेरेंट एटम बेंजीन. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा नोमेनक्लेचर. और हाँ, एनसीईआरटी की जो टेबल दे रखी हो उसके हर एक एग्जांपल करने बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको कर लोगे तो फिर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. और वैसे भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था. वो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो देखे तो उसके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे आगे वाले वीडियोज के. उसको इतना देखने की भी जरूरत भी नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और नोमेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि उसमें मैंने लगभग सारे जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं हमारे उनमें जो जो हमारे नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग उस चैप्टर में ही कवर हो चुकी है, क्योंकि बेसिक उस चैप्टर में ही है. और अगर सारी ऑर्गेनिक मतलब कि आपको समझनी है तो पहले फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें. थैंक यू. फिर नेक्स्ट हमारी बारी आती है प्रिपरेशन की. तो दोस्तों, प्रिपरेशन में पहला है फ्रॉम एल्कोहल. एल्कोहल में देखो दोस्तों, हमने एल्कोहल में एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने एल्कोहल को H2SO4 मतलब कि जो हमारा एल्कोहल है उसको H2SO4 के साथ हीट करा था तो हमको एल्कीन मिल गया था. पर यहाँ पे क्या है कि कम टेम्परेचर पे, वहां पे हमने 443 केल्विन टेम्परेचर लिया था पर यहाँ पे हम 413 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं. उस पर अगर हम एल्कोहल को कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको एक सिमेट्रिक, क्या यहाँ पे हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक हमको ईथर मिलेगा. बट
अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा। इसका क्या कारण है कि लो टेम्परेचर पे जो एल्कोहल है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दोस्तों जैसे अब यहाँ पे लो टेम्परेचर है वहां पे एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और जो कि अब और ये मेनली प्राइमरी एल्कोहल मतलब कि प्राइमरी एल्कोहल्स ज्यादातर ये देते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन भी हो रही है तो अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन देखा जाए तो वो लेस स्टेबल होता है। तो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ईथर का मैकेनिज्म देखते हैं और एल्कीन के साथ हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो इन दोनों में फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एसिड हमारे पास प्रेजेंट है तो वो एच पॉजिटिव रिलीज करेगा। एच पॉजिटिव रिलीज करेगा तो मतलब कि प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोन ये यहाँ पे एच पॉजिटिव एसिड से है तो प्रोटोनेशन हुआ यहाँ पे। स्टेप टू यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा ईथर के केस में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। और आपको पता ही है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, तो ये हमारे पास फॉर्म होगा और फिर यहां से हमारा डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस कंपाउंड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ईथर, हमारा सिमेट्रिक ईथर। और सेकेंडरी एंड टर्शरी ये क्यों नहीं देते, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी फेवर करते हैं हमारा एल्कीन फॉर्मेशन, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और अब देखो दूसरा हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में क्या होता है दोस्तों कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाता है, और वहां पे क्या हुआ था न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पे हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और वहां पे हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे प्राइमरी चेन है, अगर हम प्राइमरी चेन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी चेन, हमको पता है कि प्राइमरी चेन कार्बोकेटाइन में लेस स्टेबल होती है, तो इसलिए ये जो अगर कम टेम्परेचर पे बात करें इसी रिएक्शन को कम टेम्परेचर पे तो ये ईथर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और वहीं अगर इसकी अगर यहाँ पे करें तो फिर से ये डीप्रोटोनेशन होके हमारे को एल्कीन प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों ये था ईथर और एल्कीन में, ये हमने एल्कोहल की ये दोनों ही मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ईथर फॉर्मेशन में और ये हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो कि एक नेमिंग रिएक्शन भी है और प्रिपरेशन भी है तो उसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो इसकी दो कंडीशन है, एक तो जो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, जो इसमें एल्काइल ग्रुप है वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। सो फ्रेंड इसका रीजन मैं आगे दूंगा, पहले आप देख लो इसमें होता है क्या, जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है और जो हमारा ये हमारा एल्कोक्साइड आयन या फिर सोडियम एल्कोक्साइड कह दो या फिनोक्साइड, अगर यहाँ पे फिनोल होता तो फिनोक्साइड, तो यहाँ पे ये एल्कीन ग्रुप है तो एल्कोक्साइड सोडियम, और ये वाली जो प्रिपरेशन है ये बहुत सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फॉर्मेशन मतलब कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक ईथर बनाने में हेल्प करती है। सो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एस एन टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। एस एन टू मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि कोई अगर एक न्यूक्लियोफाइल है एक्स नेगेटिव वो अगर रिएक्टेंट, यहाँ पे एस एन टू का मतलब दोनों मॉलिक्यूल, यहाँ पे मान लो ये आर सी एल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स एस एन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एक तरह की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा बैक साइड से अटैक करता है, और जैसे जैसे ये अटैक करता है वैसे वैसे जो दूसरा इसके पेरेंट एटम के साथ दूसरा एटम अटैच था वो दूर होता जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक होता जाता है और ये अपने न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसमें देखो दोस्तों दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको कहते हैं एस एन टू। सो फ्रेंड्स विलियमसन सिंथेसिस भी एक एस एन टू मैकेनिज्म पे बेस्ड है, तो जिसमें जो हमारा ये एल्कोक्साइड आयन है ये कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और यहाँ पे जो आर ग्रुप है हमारा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये इसके पास ये इस इसके ऊपर अटैक करता है एल्काइल ग्रुप के ऊपर और फिर इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है। और बेटर रिजल्ट कब आता है, जब हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता है। इसका क्या रीजन है कि इन केस ऑफ सेकेंड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेट
एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों क्या होता है, अगर जैसे कि इधर देखो टर्शरी का, टर्शरी हमारा हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और ये हमारा प्राइमरी है या फिर कोई भी हो, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि यानी ये एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाती है पहले, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होते तो फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा NaBr और फिर ये जो CH3OH हमको साथ में एल्कोहल एल्कोहल मिल जाता है। और वहीं पे ही बात करें तो हम अगर बेंजीन की या फिनोल से कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये कन्वर्जन भी हो सकता है दोस्तों कि फिनोल के अंदर हम NaOH डालते हैं तो फिनोक्साइड आयन सोडियम फिनोक्साइड के, सोडियम फिनोक्साइड भी कह सकते हैं जिसको, और उसको फिर से हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको एराइल ईथर मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे इसका जो हमारा ईथर ग्रुप होता है उसकी उस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, यहाँ पे हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड इज सोल्युबिलिटी। सो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस देन अल्कोहल होता है एंड नियरली इक्वल टू और मोर देन कह सकते हैं हम एल्काइल हैलाइड और नॉर्मली हमारे एल्केन्स। तो इसका रीजन क्या होता है कि अल्कोहल से इसका कम क्यों होता है, तो दोस्तों जो अल्कोहल के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है हमारा RO H कह दे, और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है ROH। तो सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको पता ही है, ऑक्सीजन और मतलब कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होती है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग होने की वजह से इन दोनों के मॉलिक्यूल आपस में बहुत पास पास होते हैं, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पर हम बात करें यहाँ पे ईथर की, सो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, एक ऑक्सीजन तो है, पर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो जिसकी वजह से इसके बीच में पोलैरिटी तो होगी, यहाँ पे पोलैरिटी तो होगी जिसकी वजह से इसका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड एल्केन्स से थोड़ा ज़्यादा होगा और हेलो एल्केन्स के लगभग नियरली इक्वल होगा। बट जो हमारा एल्कोहल है उस एल्कोहल है उससे बहुत ज़्यादा कम होगा, इसका रीज़न यही है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर फ्रेंड्स हमारी बात आती है मिसिबिलिटी या फिर हम इसको सोल्युबिलिटी भी कह देते हैं, कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर की बात करें वो लगभग सिमिलर होती है अल्कोहल की। इसका क्या रीजन होता है कि चलो हमने माना कि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, पर यहाँ पे मतलब कि ईथर के पास ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जैसा कि अल्कोहल के पास भी है। तो ईथर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो जो H2O के जो हाइड्रोजन एटम्स है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, तो इस वजह से इनकी सोल्युबिलिटी सिमिलर होती है एल्कोहल से। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज पहली है क्लीवेज ऑफ मतलब कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सो पहला है, सो दोस्तों फर्स्ट है हमारा कि विद सेम एल्काइल ग्रुप हम बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा फर्स्ट है ईथर विद सेम एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम एल्काइल ग्रुप है, अगर हम इसको HX यहाँ पे हमारा एसिड HCl हो सकता है, HF हो सकता है, एच आई हो सकता है, तो इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमको RX प्लस में ROH मिल जाता है। वहीं अगर हम डिफरेंट R ग्रुप की बात करें तो हमारा एक RX होता है, एक ROH होता है। सो फ्रेंड्स अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें, इसका हमारे पास आगे मैकेनिज्म है, तो हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का केस एक होता है और टर्शरी का केस हमारा अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट बात करें हम एराइल एल्काइल एराइल ईथर की, तो उसमें अगर हम HX के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड होता है ये RO वाला हमेशा टूटता है, चाहे यहाँ पे कुछ हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, ये वाला नहीं टूटता। इसका क्या रीजन है? एक तो इसके जो लोन पेयर जब रेजोनेंस में आते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दूसरा, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, तो जिसकी वजह से हमें फिनोल मिलता है एज अ हमारा प्रोडक्ट, एंड हमारे को एक एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। सो इसकी रिएक्टिविटी देखें अगर एल्काइल हेलोजन एसिड के बेसिस पे, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं HI के साथ, फिर उसके कम HBr, फिर उससे कम HCl। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उसके बीच का बॉन्ड उतना ही लेस स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये इजिली H हमारा जो H है वो इजिली रिमूवेबल होगा, तो जिसकी वजह से ये इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इस ऑर्डर में होगी। तो दोस्तों इसका मैकेनिज्म देखें, तो इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें तो फिर उसका मैकेनिज्म है ये दिस, कि फर्स्ट स्टेप है कि जो प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, या हमारा प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो गया। फिर उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करें तो सेकेंड स्टेप में जो आई नेगेटिव है वो हमारा SN2 मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और SN2 मैकेनिज्म शो करता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये इधर से अटैक करेगा बैक साइड से, एंड देन ये हमको ये यहाँ से डिटैच होके CH3I और CH2OH। तो और अगर एक्सेस में हो HI हमारे पास, तो फ्रेंड्स ये जो होगा जो हमारा आई नेगेटिव होगा, तो वो जहां पे लेस हाइड्रोजन लेस एल्काइल ग्रुप होंगे उससे जाके अटैच होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें तो, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है, तो बैक साइड से जहां से उसको यहाँ पे अगर ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे तो वो उनका जो हिंड्रेंस होगा इसको ज्यादा हिंडर करेंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी ज्यादा होगी। तो सो दोस्तों अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एल्काइल ग्रुप, मतलब कि जो ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होती है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो ये जहाँ पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं उसके साथ आयोडीन अटैच होता है। अगर हम सिंपली याद करें, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में कोई मैकेनिज्म पूछा जाता है वैसे इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम सिंपल रिएक्शन की बात करें तो अगर हमको ये रिएक्शन दे दी कि CH3O CH2CH3 प्लस में HI, तो हमको बिना देखे अगर वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, तो अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें तो RO R- है, और इसमें जो R है वो स्मॉलर है एल्काइल ग्रुप R- से, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? RI प्लस में R-OH। सो दोस्तों ये रिएक्शन आप याद कर लो, चाहे आप इसे रट्टा मारो चाहे कुछ मारो, ये होता है, और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। और अगर वहीं हम अगर एक्सेस में HI का यूज करेंगे तो जो हमारा एल्कोहल फॉर्मेशन हुआ है वो भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं टर्शरी की, मतलब कि अगर यहाँ पे टर्शरी है, टर्शरी ईथर हमारा, तो वो दोस्तों SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और SN1 मैकेनिज्म में हमें पता है कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, तो इसमें जो हमारा बॉन्ड टूटता है वो यहाँ से ब्रेक होता है, छोटे वाला हमेशा एल्कोहल बनाता है और बड़े वाले के साथ एल्काइल हैलाइड। सो फिर उसके बाद हमारी बारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे हेलोजिनेशन होता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं। तो हेलोजिनेशन में क्या है, आप जैसे देख सकते हो, अगर हम सिंपली ईथर की बात करें तो जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जाते हैं तो यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ईथर ग्रुप है वो पैरा एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है। सो फ्रेंड्स जो हमारा Br2 इन इथे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, इसमें हम Br2 इन इथेनोइक एसिड। सो फ्रेंड्स ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और इस साल जो हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये रिएक्शन पूछी गई थी कि इसको एनआईसोल को, इसको हम एनआईसोल कहते हैं, एनआईसोल को Br2 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड में रिएक्ट करते तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, तो उसका आंसर था ये।
सो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन और पिछले साल बोर्ड के पेपर में पूछी गई थी। सो फ्रेंड्स हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है पैरा में, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन में हेल्प कर जाता है, इजीली फिट होता है क्रिस्टल लैटिस में, जबकि ऑर्थो वाला इतना इजीली नहीं होता है। तो इसका नेम क्या होता है, पैरा ब्रोमो एनाइसोल, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस पूरे कंपाउंड को हम एनाइसोल कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, उसमें हम एक है एल्काइलेशन एक है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3CH2 के प्रेजेंस में करते हैं हम, और फिर हमको हमें मिलता है 2-methyltoluene। यहाँ पे हम टोलिन ये इसको हम एज अ प्रोडक्ट मानते हैं, इसको एज अ पेरेंट एटम मानते हैं, क्योंकि इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी मेजर हमारा पैरा वाला होता है 4-methyltoluene, जिसे हम आयोपिक नेम कहें जिसका। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे एसाइलेशन, जिसमें एसाइल ग्रुप ऐड हो जाता है हमारा, जिसको कहते हैं 2-methoxy। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 6 हैं, तो इसको पेरेंट एटम है हम एज अ पेरेंट एटम यूज करेंगे, तो इसका नाम होगा 2-methoxyacetophenone, जो कि माइनर है क्योंकि ये ऑर्थो पे अटैच हुआ है हमारा, और वहीं पे 4-methoxyacetophenone एज अ मेजर है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इजिली फिट हो जाता है लैटिस में क्रिस्टल लैटिस में। फिर उसके बाद बारी आती है नाइट्रेशन की, उसका हमको पता है HNO3 इन कंसनट्रेटेड है HNO3, जिसमें NO2 हमारा अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये हमारा पेरेंट एटम होगा, मतलब कि ये वाला हमारा पेरेंट एटम होगा, तो 2-nitroNisol एंड 4-nitroNisol पैरा वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ईथर का टॉपिक ख़त्म होता है, साथ में ही हमारा चैप्टर जो कि एल्कोहल फिनोल एंड ईथर ये भी कम्प्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी दैट आई डू नॉट कम्प्लीट दिस चैप्टर अर्ली, देर इज़ अ रीज़न दैट माई एग्जाम्स वर स्टार्टिंग एंड वी आई ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज आई ऑलरेडी टेल यू दैट आई एम स्टडिंग BSc बायोटेक। सो सॉरी फ्रेंड्स, बट नाउ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूँ, एंड सॉरी वंस अगेन। तो सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो व्यूज़ बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक एंड कमेंट करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी पूछो। पिछले कई वीडियो में मेरे पास कई क्वेश्चन आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ एंड व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।